कदी हसदियां हसदियां रोंदा है, कदी रोंदियां पौंदा है खिल, नित रूप वटाईंदा है दिल, ते रूप वटाईंदा है दिल। दिलां दी गल्लां जिहड़ी होंदियां ना, वाह वाह वाह, बड़ी अजीब गरीब होंदी। वाकई वाकई। ये फरमाओ कि तुसी किना किना मुल्कां च और किना किना शहरां च परफॉर्म कीता है आज तक? फिलहाल तो बाहर दुबई तक गया। पाकिस्तान च केड़ी केड़ी जगह परफॉर्म कीता? पाकिस्तान दे विच अपने जंग तो शुरू होने हैं। जी जी। जंग लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, बखर, लैया। वाह सही। अच्छा ये दसो कि ना सब शहरां च सब तो अच्छी ऑडियंस सुनने वाली केड़ी सी? गीत ते आप खुद हैरान आ कि मालिक ने कोई ऐसी इस चीज़ पाई, मैं जिथे ही गया उथा ही इस गीत अपना रंग विखाया। वाह वाह वाह। जिथे ही गया। और सब तो वड्डी गल तो ये भाई पश्तो बोलण वालिया खाना मैंने सदया, उन्ना सुने है, उन्ना बेतहाशा मेरी खिदमत की और दिशा मारियाँ। अच्छा यदि वजह तो यह भी है ना कि जरा सुर का नूर है वो तो गले च उतर गया है इस वक्त मौजूद है। ठीक है, ये उदी पजीर आई है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है कि सब तो अच्छी सुनने वाली ऑडियंस कितने मिली तुम्हें? मैंने लाहौर वाले ही बड़ा प्यार किया मेरे नाल। सब तो ज्यादा मैंने मुल्तान वाले बहुत प्यार। इत्थे लाहौर च एक प्रोग्राम किया है, मैं 10 मुल्तान किया। बिल्कुल। यानी कि सराय की पट्टी च बहुत प्यार किया। तुम्हारी गायकी से वैसे भी सूफी रंग छलकता है ना, इसलिए तो लोग मोहब्बत करें। बिल्कुल। शोरा इकराम सारे मैंने प्यारे, दुपहरा कोई भी नहीं जेड़ा अंदर मतलब कलाम चेक करे ना, मन भाई नाराज ना उसे, नहीं ऐ शेर मैनू नहीं जसदा। अच्छा वाह। वो आंदा जी तुहाडे अख्तियार दे विच कट के होर भी ला सकदे। वाह वाह। अच्छा सही, जिवें काफ़ी सारे सारे ऐसे सिंगर हैं जो नामवर थे, पॉपुलर थी गए, लोग उन्होंने को शो ते सजे ते वाला कर्मा दे छट्टे भी चंगे भले थी, मतलब है कि पर बाद दे दें कि गट्टू चाहिए वो वे वे बैग चाह के वन तो जो फुल थी तुसा भी अपने नाल गट्टू या बैग चाह के वेंदे वे कहे ना ये परसनल गल लेकिन दसे सो सही। बड़ी बारीक गल है तुम दस देव जी जी दसो थी खैर हो तुरमेबाजी कैसी होंगी? देखो जी लोग मेरी खिदमत अखीर कर दे, पैसा ही बड़ा होंगे। वाह वाह वाह। तब तो मैंने खुशी होंगी है कि मेरी महफिल बच्चे अखीर पैसे चाल हो। पिछले सीजन मैं अंदाजा लाया कि मेरे ख्याल है मेरे नाल ज्यादा बच्चे लाए गए। बच्चे तुम पता किस दिन बाबे होरां ने? नहीं बाबा ही बेचा। अच्छा। मैं मालिक दे कोलो ये अज ही करके मंगया, मालका जिथे मैंने 5 लाख देवने ना उत्ते 50,000 दे अपनी रजा वाला। वाह वाह। जेड़ा मैंने 50 मिलता है ना वो 5 लाख तू भी ज्यादा पाड़ा मार जा। क्या बात, इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत। अच्छा ते नाल जड़े पैसे कट्ठे करन वास्ते भी सिंगर गिद्दी वदे उन्होंने वो बालें को नेड़े नहीं आवा दे ख्याल करन तुहाडे नाल कोई का नहीं होंदा? नहीं 12-13 लोग असी होने। अच्छा। बच्चे ही चुनते पे होंगे जेडे नाल मैं 2-3 लड़के लै जाना उन्हें चुनने होंगे। हालांकि कई बार उन्होंने इजहार किया भाई वो वेखो मखजारे उन्होंने लै जाव। वाह वाह वाह। जिस रिस्क ते तुहाडी मोहर लग गई है वो कोई नहीं चाह सकता। वाह। अच्छा सही, एक नामवर सिंगर मैं उन्होंने ना ही टाइम ना गिनसा, उन्हें को सारे डीजी खान सदवाए ने कि तुसा सारा शो करो, उन्हें आके मैं कुछ एडवांस तुसा इतना लाख दे दो ते बाकी जना जड़ा वेला सन वो बाद हिसाब थी सी, उन्हें क्या एडवांस से थोड़ी रियायत कर दो तो वेला चंगा भलिया थी सन, उन्हें क्या कहना असा ये काम करना ही नहीं क्योंकि सा को काफ़ी सारे लोग आदन जी तुसा एडवांस काम गिनो तुसा जो अस वेले सारी कसर पूरी थी सी, असा ये काम ना किते ना सा करे सूँ जड़ा असा एडवांस तय किते सा को दियो क्योंकि वेले सा को अक्सर ये होंगे कि वेला उतना थी क्या नहीं जितना बंदा आ दे कि वेला इतना आस है जेड़ा ज्यादा आखे ने वेले नाल पूर दी सा उथों घट होंगे। और जेड़ा बंदा चाखे यार आसे जो सही अल्लाह ताला रहमत फरमा रहमत। वाह 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 वाह। उतो ढेग लग जांदे। अच्छा सर मैं जेड़ी तुहाडी किताब देख रहे हैं डायरी देख रहे हैं जे तुहाडे गीत लिखे ने एडी जखीम मैं कभी किताब नहीं देखी आज तक, कभी ये भी होया कि मतलब पूरी किताब एक जगह सुनानी पै गई होवे? कई बारी ऐसा होया है कि कापियां ऐसा घर भूल जाने। अच्छा अच्छा। और पूरा प्रोग्राम मैं जेनी तौर मुंह जबान नहीं जोर साहब इनियां कापियां ने रजिस्टर रखने सूत ते पैसे देंदे तू ए मंजूम बही खाता है ए बही खाता नहीं जी तक दही खाता है। अच्छा जी एक गल तुसा कोल मैं भी पूछा पूछ ले तको जी मंसूर मलंगी साहब अतावला ऐसा खेलवी साहब
अल्लाह दी तालूने आला तुसाने जेड़े उस्ताद है तालब हुसैन दर साहब झोक राग बहुत चंगा गाने से ते मैं आप भी बड़ा फैन हूं उन्होंने सर एवें भी तुसाने उस्ताद है अकीदत आस्ते तुसा दो बोल उन्होंने भी सुनाओ तालब हुसैन दर साहब ने ठीक है जरूर इंशाल्लाह वाह जी वाह मेरे उस्ताद मोहतरम ये गीत गाया इन मैं नवे म्यूजिक चाहता है जो ईद ते गाना आ रहा अच्छा मैं तुरा एक शेर सुनी ना बेली दोस्त आपा से फुटे ना एक गरीब आई एक अमीर आई अमीर खैर गरीब नाल नित बेतकिया ही करे एक दिन गरीब हुसैन के आंदा चंगे लखा यारियां दे हाथ रेंदे ओ असिया गरीब धक्के ता मरंदे असिया गरीब धक्के ता मरंदे चंगे लखा यारियां दे हाथ रेंदे ओ असिया गरीब धक्के ता मरंदे ढल गिनी बेदा ख्याल कीता ने ढल गिनी बेदा ख्याल कीता ने वसो शल चंगा साडे नाल कितने वसो शल चंगा साडे नाल कितने छोड़ के रखी पागल साड़ दिंदे हो असिया गरीब धक्के ता मरंदे असिया गरीब धक्के ता मरंदे चंगे लखा हाथ रेंदे ओ असिया गरीब धक्के ता मरंदे असिया गरीब धक्के ता मरंदे वाह वाह बहुत अच्छे लो तुहाडी तुहाडी फरमाइश ते उन्होंने गाना सुनाया नहीं लीक कर दिता अपना यही दला गाना क्या फाड़ गई है मेहरबानी अच्छा तुसा जेड़े वेले आए बैठे हो तुसा कई दफा आफताब साहब दा जिक्र कीते ते थोड़े उदास भी थी वेंदे वे उन्हें इखलाक दे बारे च भी गाल कीती वे उन्हें म्यूजिक दे बारे च भी वो म्यूजिक को समझदे हैं सब तो पहली गल ते है एक फकीर बंदा वाह वाह और अल्लाह करीम ने नु अखीर इल्म अता कीता कोई शक बेशक फिर वो हर आवण वाले मेहमान नाल मुखलिस है बिल्कुल ही है अगर वो प्यार ना कर दे मैं कोई आराम ना ही मैं तुहाडी गल अगे बताना हजरत अली दा फरमान है कि अलूम तमाम एक थे जाहिलों ने अपनी आसानी के लिए उसके टुकड़े कर दिए इस अहद च मतलब आफताब इकबाल सानू एक ऐसा शख्स नज़र आता है कि जेदे च तमाम अलूम जिंदा ने वो तमाम अलूम जानता है ठीक है जी वो गायकी नू भी उन्ना ही समझदा है अदब नू भी उन्ना ही समझदा है शायरी नू भी उन्ना ही समझदा है वो स्पोर्ट्स नू भी उन्ना ही समझदा है मतलब वो गल करदा है तो लगता है एक दबस्तान खुल गया है बिल्कुल ठीक है ना जी और वो जितना अच्छा खुद गाँव है उतना अच्छा सुनवैया भी है ऐसा ही है हर गुलकार जड़ा है ना अगर जो बजुर्ग साढ़े ना तो मेरे तो दिल कर देना सुनी ही रखा सही क्योंकि सच्चाई के दौरे गुलकार वो गुलकार है सही मायने जो अपना गाना गाँद बैठे आप सुने तुसा अपना केरा गाना खुद वला वला सुन दे वे मैं हकीकत बात है मेरे उस्ताद के गाने जी जी मैदी साहब की गजल मैडम नूरजहां दे गाने वाह वाह कदे कदे मेरी ए रूटीन भी होंदी है कि मैडम साहब दा गाना सुनदे आ रोंदे रहना ते सां जा अच्छा मैं पिंडी नहीं तुसा की गाना सुनासा जी हां ओ माड़ी वीणी जे नपिया अंगा विचू एक वंग पन सटी तू वंगा विचू ओ माड़ी वीणी जे नपिया अंगा विचू एक वंग पन सटी तू वंगा विचू कुरबान तेरे तू जावा ओ माड़ी वीणी जे नपिया
ਮਾੜੀ ਵੀਣੀ ਜੇ ਨੱਪਿਆ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਗ ਪਨ ਸੱਟੀ ਤੂੰ ਵੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੂ ਕੁੰਡ ਮੁਖੜੇ ਤੂੰ ਚਾਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਫਾਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਫਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਵੀਣੀ ਜੇ ਨੱਪਿਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਵੀਣੀ ਜੇ ਨੱਪਿਆ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਗ ਪਨ ਸੱਟੀ ਤੂੰ ਵੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀ ਵੀਣੀ ਜੇ ਨੱਪਿਆ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਗ ਪਨ ਸੱਟੀ ਤੂੰ ਵੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਵੀਣੀ ਤੇ ਫੱਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਰੈਪ ਸੌਂਗ ਆ ਗਏ ਕਾਫੀ ਜੀ ਜੀ ਰੈਪ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਦਾ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦੇ ਦੇਰਾ ਚਮਚੇਗੀ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠਿੰਚਕ ਠਿੰਚਕ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਸੋ ਉਸ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਇਆ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਬਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਰੰਗ ਲਵੇ ਛੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਗ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੁਲੂਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਯਾਰ ਨਾ ਗਾਣ ਅੱਲਾ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਈ ਭੋਲੇ ਸੁਧਾਰਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਵੀ ਨਾ ਮੁਸੀਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕੰਮ ਥੀ ਗਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜੀ ਜੀ ਫਾਸ਼ਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਣ ਫਾਸ਼ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਣ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਗਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਦਬੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਉਮਰ ਰਸੀਦ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੂਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਖਾਇਰ ਹੋਵੇ ਭਲੋ ਹੋਵੀ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਥਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਂ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਫਿਣਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਆਮੀਨ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਵਣਾ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਮਦਾ ਛੋੜੋ ਪਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਹੈ ਨਾ
लड़ाई शिकार पौंदा उसले वे छायल होया खलो तो उसले मैं आप ही पढ़ना ते संगे नु ना पढ़ो ला हौला वला कुवत इल्ला बिल्लाह ये दौड़ जांदा अच्छा सही आदन जरा हकीकी फनकार होंदे वो कि इतना पैसे नाल गर्ज करने दी वो कुछ जरी दाद मिलदी ना उंदे नाल एनर्जी आंदी है ते जड़ा हकीकी नहीं होंदा कोई इमदाद मिल वने को ता एनर्जी आवेंदी है ओ निरी नहीं दाद नहीं होंदी जी एक शख्स आई लदा ते उस शादी की ना ते उसको रुपया 500 बचिया हूँ तीन चार कमियाँ उन्होंने कुछ 500 रुपया पे तू दुआ लैनी है या 500 रुपया लेना हो सके साई दुआ दे हो चल जा दुआ या त्रिया चौथा मेरा सी आ गया हो सके भाई तू ये दुआ लेनी या 500 रुपया लेना हो सके जी 480 नगद दे हो जाते भी दी दुआ दे सारे कम कुछ लैंड नाल कुछ देर नाल सारे चल भाई थां से फन पुट्ठा पै जांदा है मैं एक पेंडी ड्रामा करन मग गया तो उत्थे हाल दे विच इक्को बंदा बैठा ते ओह वी ओह नवाब बंदा ते उहने नवीं नवीं बिजली उहनां पिंडां नूं लिखिआ मेरे कोल ओह रोल बदमाश दा ते मैं कलाशन खोव सट्ठी मोढे ते ते गया ऐ अनेर पा दित्ता शामू मेरा नां है ते मैं इस इलाके च अनेर पा देना आंदा तेरी ऐसी दी तैसी गोलिया मैं इतनी कोशिश करके बिजली लवाई है तू कि मैं नेर पास है ताला लगना है मेरा मैं उसे आकर किड़ा मैं ड्रामा पढ़ बैठा वो निकल लेने के उनके साला लगना है मेरा इन्हें को कि हाँ जी हाँ जी बड़ी बैडी हम देख चले अच्छा सही काफ़ी सारे जरे सारे सिंगर हैं ना उन्हें को जरे नवे बनते अपन सीखना चाहते हैं या जिमें मैं हूँ कोशिश भी करा तो मेरी सुर नहीं आ सकती नहीं आ ही नहीं सकती मैं सच्ची आदि तो काफ़ी सारे ऐसे उन्हें को नहीं है उन्हें सुर दूर दूर तक लेना देना कहने तो वाले भी वो बजिद दिन कि असा गावने उन्हें को तुसा क्या नसीहत करे सो कोई भी बंदा है जरा शौक करे वो सीखे उस्ताद दे कोल सबक हासिल करे अदब एहतराम करे बिल्कुल और अल्लाह करीम हर अपने बंदे नु एक चांस देंदा ने जिड्डे तो जिड्डा माड़ होवे हर नु चांस देंदा अल्लाह ताला वाज़े फरमाया मैं दौलत दे के आजमाइना मैं दौलत ले के आजमाइना बिल्कुल बिल्कुल हर रंग विच अल्लाह ताला आजमाइंदा है ते जिस बंदे सबर कीता है ना उनु एक दिन मंजिल जरूर मिल गई गल्लां तुहाडियां बड़ियां दिल नूं लगदियां ने माशाल्लाह सही तुसां एडा सोहणा पेड़ लाए एडी सोहणी महफिल सजाई है सारे प्रोग्राम दा टाइम भी खत्म थींदा पर लेकिन सारी एक बई फरमाइश अगर पूरी कर दियो तां जी वेने वेने सा कोई सुना दो खान घड़ा दे वांग वेखाना राती हसदे सुते दमे रोंदे उठे इने के जियां बल विच लुटे जिमें बाल दे हथों शाय खस लेंदा का यकदम मार के झुटे बत इतना पिटी पा सिर बिच मिट्टी उड़े वाल हो जुटी जुटे जंदा पेट पेट उठी ते उठी नठे किसे रियाज ना आज तई डिठे खान गड़ा बंदवे खाना मैं ढोले दी मंगवे खाना खान घड़ा बंदवे खाना खान घड़ा उचिया माणिया शै लाहौर दिया उचिया माणिया हेठ गुटिया भंग वे खाना खान घड़ा बंद वे खाना खान घड़ा
ਹਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਖਲਾ ਮੰਗੂਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੂ ਮਜਬੂਰੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆ ਹੰਦ ਵੇਖਣਾ ਖੜਾ ਦੇ ਬੰਦ ਵੇਖਣਾ ਹੱਥੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੋੜ ਨਾ ਝੜੀਆਂ ਇਹੋ ਤਖਾ ਗਿਆ ਰਮ ਵੇਖਣਾ ਹੰਦ ਘੜਾ ਦੇ ਬੰਦ ਵੇਖਣਾ ਹੰਦ ਘੜਾ ਬਰਬਾਦ ਗੇਲ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਗੇ ਤੋਏ ਉਹ ਤੋਹੇ ਉਹ ਸਾਵਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਟ ਸ਼ਾਕਿਰ ਛੱਡਿਆ ਆਪ ਜਮਲ ਵਾਹ ਵਾਹ।